रामलीला परिषद फतेहगढ़ की ओर से मंगलवार को अस्त्र शस्त्र स्वरूपों और धरती पूजन कर रामलीला का शुभारंभ किया गया। भगवान के स्वरूपों की आरती कर जय श्री राम के नारे लगाए गए। फतेहगढ़ सब्जी मंडी स्थित राम निवास में पंडित दिनेश तिवारी ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन पूजन कराया। इसके बाद अस्त्र शस्त्र भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान के स्वरूपों का विधि विधान से पूजन कर आरती की गई। रामलीला परिषद फतेहगढ़ के अध्यक्ष रमेश द्विवेदी ने बताया शाम को नगर में श्री गणेश शोभा यात्रा का नगर भ्रमण होगा, तत्पश्चात करेप्पा परेड ग्राउंड पहुंचकर भूमि पूजन किया जाएगा। राम निवास पर प्रतिदिन स्वरूपों का पूजन और रात्रि का लीला आयोजन किया जाएगा। आपको बताते चले आज से 3 साल पहले आज ही के दिन स्वरूप आरती पूजन में प्रभु राम के परचिन्हों पर चलने वाली पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत भी शामिल हुए थे। सांसद ने फतेहगढ़ रामलीला परिषद को लीला मंचन को स्थायी भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया था, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी रामलीला के पास आज तक अपनी कोई जमीन नहीं है। कमेटी के सदस्यों की माने तो सांसद का आश्वासन आश्वासन ही रह गया। अध्यक्ष ने कहा कि सेना के परेड ग्राउंड पर कई सालों से दशहरा पर्व होता चला आ रहा है। हर साल सेना के अधिकारी परेड ग्राउंड दशहरा पर्व को देने के लिए मना कर देते हैं, तब DM के माध्यम से परेड ग्राउंड उपलब्ध कराया जाता है। अब अगर जमीन मिल जाती है तो यह समस्या समाप्त हो जाएगी। खैर, इस बार फर्रुखाबाद के पूर्व सांसद संतोष भारती के द्वारा इस पैरवी कर परेड ग्राउंड की अनुमति परिषद को मिल गई है। इस दौरान अध्यक्ष रवीश द्विवेदी, महामंत्री पंकज अग्रवाल, मुन्नालाल बाशणे, अतुल मिश्रा, चमन टंडन, श्रवण कुमार चक, निशीत सक्सेना, रविंद्र बैस, धीरज दुबे, गोपाल पुजारी, नरेश वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। फतेहगढ़ रामलीला कमेटी ने आज हवन पूजन करा है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? आज तो हवन और पूजन हो गया है, स्वरूपों का पूजन हो गया है। इसके बाद जो है शाम को गणेश जी की शोभा यात्रा निकलेगी और उस शोभा यात्रा के बाद हम लोग नगर भ्रमण करेंगे और परेड ग्राउंड पर जाके भूमि पूजन करेंगे। आज का ये कार्यक्रम है। इसके बाद 12 तारीख को शिव बारात निकलेगी, नगर का भ्रमण करेगी और यहीं पे राम निवास सब्जी मंडी में आके शिव विवाह होगा। इसके पश्चात जो है 18 तारीख को राम बारात निकलेगी, जिसका पूरा भ्रमण होने के बाद वो भोलेपुर हनुमान मंदिर जाती है, वहाँ पर राम जानकी का विवाह होता है। इसके बाद 24-25 तारीख को दशहरा है, 26 को भरत मिलाप दशहरा जो है परेड ग्राउंड पे होगा और भरत मिलाप संक्रांति किराए पे होगा और राज्याभिषेक यही राम निवास सब्जी मंडी में होगा। तैयारियां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जो भी बुकिंग होनी थी, जो कुछ भी होना था वो सब हो गया। और ये आप देखें यहाँ पर स्टेज भी बन रहा है जहाँ रात की लीला होगी। रात की लीला जो है वो उसके एक श्याम शर्मा जी हैं उनको दी गई है। और इस बार झांकियां जो रात की लीला होगी उसमें झांकियों के साथ में होगी, जैसे जो भी लीला है कोई बध है तो उसका दिखाया जाएगा, कोई हवन पूजन हो रहा है तो वो दिखाया जाएगा। इस तरीके से झांकियों के साथ में रामलीला रात की प्रस्तुत की जाएगी। क्या नाम है आपका? रमेश द्विवेदी, एडवोकेट, अध्यक्ष श्री रामलीला परिषद फतेहगढ़। थैंक यू।